लेट स्टार्ट विदरमेंट ऑफ लेंथ सो अब जरा आप मुझे बताएंगे विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मायर लेंथ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकते हैं length measure करने के लिए। ओके जी गुड अच्छा अब जो मेरे पास अभी आए हैं देखे ये क्वेश्चन करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनका मुझे आइडिया होता है और मैं वहीं पे आपको करेक्ट भी कर सकता हूं लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक मुझे रिस्पांस मिला है इज इंच टेप और स्केल देर आर मैनी अदर एज वेल टेप रूलर एटसेट्रा अब जीरो वाले वर्ड्स हैं इंच टेप और स्केल कहते हैं बट इन फिजिक्स यू हैव टू बी प्रिस अगर आप एग्जाम में इंच टेप लिखेंगे तो इट विल बी इन करेक्ट यू विल लूज द मार्क्स तो इंच टेप को आपने इंच टेप नहीं करना आपने इसको कहना है मयरिंग टेप और टेप मयर सिमिलरली स्केल को आपने जिसको हम यूजली स्केल कह देते हैं रूलर तो so, आपने रूलर का वर्ड यूज करना है scale तो कोई भी जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा उसके ऊपर डिवीज मार्किंग लगी होगी दैट इज ए स्केल तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं यू आर ऑल अवेयर फेट दिस इज मीट अ रूल देन वी है रूलर दीस टू आर माइरिंग टेप्स

काउंट क्या होता है लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ माइनिंग इंस्ट्रूमेंट और ये कौन सी डिवीजन होती है इट विल बी मिनिमम डिवीजन ऑन द स्केल ऑन योर माइनिंग इंस्ट्रूमेंट सो कैन यू टेल मी व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ योर रूलर द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट यू कैन टेक यूजिंग रूलर That you are using since long. Okay, I got one answer 0 0.1, 0 0.1 what? 0.1 kilometers, 0 0.1 megameters. Oh, okay, 0 0.1 centimeters. So again, units are must. Without units, your 0.1 kehna, it has no meaning. और ये जो जिसने ओके वन सेंटीमीटर वाले ने भी करेक्ट कर लिया है सो इट इज जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर और वन तो ये अगर आपका एक स्केल है मींस रूलर है और इसके अंदर एक साइड पे यूजली इंचेस में डिवीन हुई होती हैं, जो कि हमने यूज नहीं करनी होती वी आर कंसर्न यूनिट्स मिलीमीटर और सेंटीमीटर में जो ये वाला डिस्टेंस है टीमीटर और इसकी आगे फर्दर टेन डिवीज हुई हुई है सो इट इज इक्वल टू वन सेंटी वन मिलीमीटर और जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ द रूलर अच्छा अब हम चूज करते हैं मईमेट तो लेंथ यूजिंग मीटर रूल अब आपका जो रूलर है इसकी जो मैक्सिम लेंथ होती है दैट इज थर्टी सेंटीमीटर और कुछ फिफ्टीन सेंटीमीटर वाले भी होते हैं जो हाफ फिट के होते हैं आ, लेकिन जो लैब्स के अंदर अगर हमने थोड़ी सी बड़ी lengths को measure करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं मीटर रूल मीटर रूल मीन इट इट्स टोटल लेंथ इज वन मीटर दैट इज हंड्रेड सेंटीमीटर्स तो इसका भी लिस्ट काउंट जस्ट सेम होता है बिल्कुल आपके रूलर के मीन जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर और वन मिलीमीटर और इसका जो यूज होता है इट टू लेंथ ऑफ़ स्ट्रेट और स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अगर आपके पास कोई कर्व डिस्टेंस होगा जो आपने मयर करना होगा देन यू कैन नॉट यूज मीटर रूल और इसकी जो रेंज होती है वैसे तो उससे ज्यादा भी एक एक के बाद दूसरा तीसरा करके हम मार्क लगा के मयर कर सकते हैं बट टू मयर इट एक्यूरेटली हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ होती है दैट इज वन मीटर बिकॉज इट्स टोटल लेंथ इज वन मीटर अब इसको हमने एक्यूरेटली किस तरीके से मयर करना है हाउ टू यूज मीटर रूल एंड मयर एक्यूरेटली यूजिंग मीटर रूल उसके लिए पहली चीज जो है वो ये है कि यू हैव टू अवॉइड यूजिंग द जीरो एंड ऑफ द रूल वट डज इट मीन लेट मी सम मीटर रूल हियर आई थिंक दिस नो ये ऑब्जेक्ट दैट यू नीड टू मई और हमने जो मीटर रूल है और तो ये जो ग्रीन वाली है ये मैंने बना दी है मीटर रूल अब आपने जो अपना ऑब्जेक्ट है इसको बिल्कुल यहाँ पे एंड पे नहीं रखना बिकॉज ये बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट हो जाती है और Due to wear off, इसका जो एज होता है वो अक्सर हो गया होता है। तो इट एक्यूरेट रीडिंग में किसी भी के ऊपर अपना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन सेंटीमीटर है वन सेंटीमीटर के ऊपर इसका आप एज रखते हैं और सेकेंड एज कहीं पे भी आ रहा है लाइक सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पे आ रहा है सो यू विल टेक टू रीडिंग्स एक आ गई आपके पास सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जहां से आपने रीडिंग ली ये आ गई आपके पास 6.5 सेंटीमीटर जहां से आपने रीडिंग ली ये आ गई 1.0 सेंटीमीटर यू विल सबट्रैक्ट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम 6.5 सेंटीमीटर एंड यू विल गेट 5.5 सेंटीमीटर व्हिच इज द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट सो आपने जीरो इंट्रोड्यूस नहीं करना व्हेन एवर इट इज पॉसिबल आपने उसको किसी और इन बिटवीन मार्क विच एवर इज कन्वीनियंट वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर विच एवर इज कन्वीनियंट आपने एक एज उसका वहां पे रखना है दूसरा एज जहां पे भी जाए उन दोनों को आपने मैयर करना है दोनों की रीडिंग लेनी है सपरेट करना है एंड यू विल गेट द आंसर सेकेंड वन ये है कि यू हैव टू पोजिशन योर आइज such that your line of sight is perpendicular टू द स्केल ऑफ द रूल ये अगर आप एक डायग्राम देखें तो is a meter rule here. और यहाँ पे अगेन हमने जीरो सेंटीमीटर पे नहीं रखा हुआ हमने यहाँ इसको वन सेंटीमीटर पे रखा हुआ है अगर आपकी ये वाली लाइन आ रही है फ्रॉम आई दिस इज नॉन एज लाइन ऑफ साइट अब ये जो लाइन ऑफ साइट है इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द रूल यहाँ पर अगर आप देखें तो इट इज 90 डिग्री एंगल अगर आप ये नहीं करते लाइक अगर राइट साइड वाली फिगर पे आप देखें अगर आपकी जो लाइन ऑफ साइट है इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द रूल तो एक्चुअल यहाँ पे रीडिंग थी वन सेंटीमीटर लेकिन आप इसको रीड कर लेंगे जीरो पॉइंट नाइन इधर अगर आप देखें एक्चुअल यहां पे है 2.9 सेंटीमीटर बट इफ योर लाइन ऑफ साइट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द रूलर देन यू विल मेजर इट एज थ्री सेंटीमीटर इससे आपकी जो लेंथ होगी दैट विल बी इनक्यूरेट और ये जो पैरेलक्स एरर है यहां पे आपको ये भी बताता चलूं कि जो पैरेलक्स एरर है इट द क्वेश्चन इज वेरी फ्रीक्वेंट इन ए और ए में जब आपने मेंशन करना है तो अगर आप सिर्फ सिर्फ सिंपल ये लिख देते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड पैरेलेक्स एरर और अवॉइड पैरेलेक्स एरर यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स आपने बताना होगा इन के इस सिचुएशन के अंदर हाउ टू अवॉइड पैरेलेक्स एरर और लिए आपने क्या बताना होगा जस्ट यू हैव टू राइट दैट योर लाइन ऑफ साइट मस्ट बी टू द स्केल ये आपने मैं आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एर बहुत सारी रीजन होती है जिसकी वजह से जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं जब आप कोई मयरमेंट करते हैं तो उसके अंदर एरर्स आ जाती हैं और उनको रिड्यूस करने के लिए यू टेक द रीडिंग्स यू टेक द मयरमेंट सेवरल टाइम्स एंड देन टेक इट्स एवरेज एंड दिस इज यूनिवर्सल रूल हर एक्सपेरिमेंट में हर मयरमेंट में इट इज वैलिड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द मीटर रूल ओके

प्लीज दिस इज अ क्वेश्चन प्लीज टेल मी द आंसर वट इज देंथ ऑफ द फैदर ओके गुड सो इट इज ए बिकॉज यहां पर आपका आ गया ट्वेंटी नाइन mm, मिलीमीटर्स यहां पर आपके आ गया वन मिलीमीटर्स यू विल सबक्रैक्ट सॉरी टेन यू विल सबक्रैक्ट and you will get 19 millimeters here is another question great good it is two point seven centimeters ok G. next question please read the options carefully good so it is टी बिकॉज जब भी आपने इस तरह की रीडिंग लेनी होती है सो तो आपने एक रीडिंग है दूसरी रीडिंग इस एंड पे लेनी है देन यू हैव टू सब्ट्रेक्ट एंड दे सब uh, करने के बाद आपके पास जो आंसर होगा दैट विल बी देंथ ऑफ दिस रॉट ओके सो इट इज बेसिकली थर्टीन ए जो आपका सर्कम फेरेंस होगा जो डिस्टेंस ऑल अराउंड होगा दैट विल बी फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन एक मेथड ये है कि इसके अंदर आपने ये वाली लेंथ आपने मयूर कर ली इधर आपकी रीडिंग आ रही है 15, इधर आपकी रीडिंग आ रही है 2, सो so 15 माइनस टू इज इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं उसके अंदर दरमियान वाली पोजिशन मैंशन नहीं हुई होती तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है द कैन रोल्स ओवर ट्वाइस उसके अंदर इन स्टार्टिंग पोजिशन दी होगी फाइनल पोजिशन दी होगी यू विल मयर दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर और ये रीडिंग आ जाएगी आपकी टू सेंटीमीटर ये वाली आ जाएगी आपकी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट माइनस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर लेकिन ये क्या है दर कैन ओवर ट्वाइस सो इट इज ट्वाइस द दर्कमफेरेंस आपसे उसने क्या पूछा हुआ सरकम फेरेंसम फेरेंस फाइंड करने के लिए यू विल डिवाइड इट विद एंड यू विल गेट थर्टीन सेंटीमीटर सो इट्स आंसर वुड बी ए ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेप मयर और मयरिंग टेप एज ए टोल यू यस्टर डे इसको आपने इंच नहीं कहना दैट इज रॉन्ग एवरी डे लाइफ में यू कैन कॉल इट एंड यू डू कॉल इट इंचर और मयरिंग टेप समाइम्स इसको सिर्फ टेप भी लिखा जाता है बट स्पेशली इन ए टी पी वेन यू आर आस्ड अबाउट द इंस्ट्रूमेंट Uh, तो आपने इसका प्रॉपर नेम ही लिखना है टेप से समटाइम्स मार्क्सडक्ट हो जाते हैं सो यू हैव टू आई राइट टेप मैयर और मैरिंग टेप अब टेप मैयर या मरिंग टेप की देर आर टू टाइप्स एक आपने देखी होगी विच आर यूजली यूज बाय कारपेंटर्स एंड अदर पर्सन लाइक दैट और दूसरी जो होती है दैट इज अ फ्लेक्सिबल वन एंड इट इज कॉमनली यूज टेलर्स अब ये यूज कहां पे होती हैं इनकी इट इज यूज टू मई लेंथ ऑफ सेवरल मीटर्स अगर आपके पास स्ट्रेट लेंथ हो वन मीटर तक की लेस देन वन मीटर देन यू यूज मीटर रूल बट इफ यू वांट टू मीटर्स देन यू यूज दिस टेप मई एंड इफ यू टू मई लेंथ ऑफ अ कर्व उंट जो, uh, जो है इट इज सेम एज ऑफ द मीटर रूल मीटर रूल या रूलर का आपने लीस्ट काउंट स्टडी किया था दैट इट इज वन मिलीमीटर और जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर So, similar is the case with the tape measure, its least count will be aapka 1 millimeter or 0 0.1 centimeter. Hoga. Now, in order to measure accurately with the measuring tape, you need to consider some things. So first of all, you need to avoid parallax error means, आपकी जो लाइन ऑफ साइट है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर द स्केल ऑन द टेप मैयर सेकेंडली जब आपने फ्लेक्सीबल टेप मैयर यूज करनी है देन यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज नाइद ट्विस्टेड. अगर स्लैक होगी या ट्विस्टेड होगी तो इट विल नॉट गिव यू एक्यूरेट मयरमेंट और फिर बाकी जितनी भी ऑल मयरमेंट सारे एक्सपेरिमेंट के साथ होता है टू

और इसका जो पर्पज होता है इफ यू वॉन्ट टू मैर लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक द लेंथ ऑफ अ रोड एटसेट्रा तो उसके लिए ट्रेंडल व्हील यूज किया जा सकता है इसकी रेंज सेवरल मीटर्स वर्नियर कैलिपर्स इट इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस हाउ एवर आपको कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी पता होनी चाहिए बिकॉज अगेन ए में ये समटाइम्स आ जाता है और आपको एज एन आल्टरनेटिव ऑप्शन एम में भी ये मिल सकता है सो इट्स लीस्ट इज़ जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर्स और पॉइंट सेंटीमीटर्स मीन्स इट इज मोर देन मीटर रूल

इंटरनल डेप तो उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दीज एंड ये जॉज हैं ये इंटरनल डायमीटर के लिए यूज होते हैं और ये जो ये टेल है साइड के ऊपर इट इज यूज टू माइर इंटरनल डेप्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब और एनी अदर थिंग लाइक दैट